नमस्कार दोस्त, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बेकिंग के शौकीन हैं और अक्सर अपनी किचन में जाके कुछ ना कुछ बेक करते हैं और जनरली अपने इन्ग्रीडियंट्स में टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करते हैं और बाजार से इसे लेते हैं, तो ये आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और हम सभी वाटरमेलन खाते हैं और वाटरमेलन खाने के बाद उसका अपर लेयर अपर क्रस्ट हम जनरली फेंक देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इसे कभी नहीं फेंकेंगे और हर बार अपनी टूटी फ्रूटी बनाने में इसका इस्तेमाल करेंगे। टूटी फ्रूटी में इसका इस्तेमाल कैसे, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वाटरमेलन तो हम सब खाते हैं, हमें ये पसंद भी बहुत आता है, पर इसमें बेसिक खाने वाला सेक्शन बीच का होता है और किनारे वाला ये सेक्शन जनरली हम फेंक देते हैं। तो अगर हम इस सेक्शन को यूज़ करके कुछ ऐसी रेसिपी बनाएं जो हमारे केक या बेकिंग में बहुत काम आती है तो बहुत ही मज़ेदार होगा। तो आज हम ये वेस्ट मटेरियल से ही टूटी फ्रूटी बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो ये हमने कुछ वाटरमेलन खाए थे और इसका ये वेस्ट आउटर रिम हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें जो रेड सेक्शन है उसे हटा लेंगे। तो अब ये वाला सेक्शन मैंने चाकू से थोड़ा सा रगड़ के साफ़ कर दिया है। अब हमें ऊपर वाले सेक्शन को पील करना है। पीलर की मदद से मैं इसको सारा पील कर दूंगी। तो ये तरबूज को सारा मैंने अच्छे से पील कर दिया है। ऊपर का सख्त डार्क ग्रीन पार्ट मैंने हटा दिया है, यहाँ से भी मैंने पिंक सेक्शन हटा दिया है। तो अब मेरे सारे तरबूज तैयार हैं, अब हम इसे बारीक काट लेंगे। अब यहाँ पर हम इन्हें छोटा छोटा टूटी फ्रूटी की साइज के काट लेंगे। इस तरह से सारे ही हम इसी शेप में काट लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे तरबूज के छिकलों को काट लिया है। जो मैंने तरबूज काटा था वो 1.5 किलो का था और उसके छिलके से हमने इतना टूटी फ्रूटी चिप्स काटा है। तो अब हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। एक बड़े पैन में लगभग 3 ग्लास पानी ले लिया है और इस पानी में अब मैं ये तरबूज के टुकड़े जो हमने काटे हैं उन्हें डाल दूँगी। अब हमें इसे बॉईल करना है। तो अब मैं इसे गैस पर रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे और लगभग 5 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ हमारे तरबूज के टुकड़े पक गए हैं। लगभग 10 मिनट के लिए हमने इसे बॉईल किया था। अब मैं इसे निकाल के छान लूँगी। तो यहाँ छन्नी की मदद से मैं यहाँ इसका पानी निकाल दूँगी। यहाँ ये प्रोसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसे हम शुगर सिरप में डिप करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम शुगर की क्वांटिटी रहे रादर देन पानी की। तो फ्रेंड्स, जब तक इससे पानी निकलता है हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं, हम शुगर सिरप की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने मेजरिंग कप से 1 कप शुगर ले ली है। तो अब इसमें मैं लगभग 1.5 कप पानी लूँगी। तो जिस कप से मैंने शुगर मेजर की थी उसी कप से मैं पानी भी मेजर कर रही हूँ। यहाँ हमारी शुगर पूरी तरह डिज़ोल्व हो गई है और हमारे तरबूज के टुकड़े भी पानी छोड़ चुके हैं। तो अब हम ये यहाँ पर मिला देंगे। अब इसे हम लगभग 10 मिनट स्लो आंच पे ऐसे ही पकने देंगे ताकि शुगर पूरी तरह से तरबूज के टुकड़ों में अंदर तक चली जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से देखिए पक गया है। मैंने इसे चेक किया तो शुगर सिरप इसमें अच्छे से चला गया है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे। टूटी फ्रूटी का लगभग 80% प्रोसेस हमारा हो गया है। अब जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता हम इसे इसी में पड़े रहने देंगे। तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी को बॉईल होने के बाद मैंने लगभग 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के इसी शुगर सिरप में छोड़ दिया ताकि ये सारा इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। वैसे तो हमारा टूटी फ्रूटी यहाँ फाइनल स्टेप के लिए रेडी है, लेकिन क्योंकि अभी ये सिंगल कलर है और मैं इसे मल्टी कलर देना चाहती हूँ तो मैं अब इसे अलग अलग कलर्स में कोट करूँगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने यहाँ 4 कंटेनर रखे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 कलर के टूटी फ्रूटी बना रही हूँ। एक कलर मैं इसका जो बेसिक कलर है नेचुरल कलर इसी को रहने दूंगी और बाकी मैं ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर में इसे बनाऊंगी। तो मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ। तो अब मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इसको मैंने इसके साथ शुगर सिरप भी ऐड किया है। जो मैंने शुगर सिरप नहीं, जिसे मैंने कलर नहीं देना था उसमें मैंने शुगर सिरप की क्वांटिटी कम रखी है। तो चलिए अब हम एक एक करके कलर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिक्विड कलर का यूज़ कर रही हूँ। जो कलर जिस कोट में चाहिए आप उस हिसाब से कलर मिलाइए।
तो अब मैं यहाँ ऑरेंज कलर डाल देती हूँ। और अब बारी है रेड कलर की। ये रेड कलर मैंने बीटरूट से बनाया है। मैंने बीटरूट को कद्दूकस कर लिया और उससे रस निकाला है। तो ये चुकंदर का ओरिजिनल कलर है। ये सबसे ज़्यादा हेल्दी कलर होगा। अब इन जार्स को आप कवर कर लें लिड से और इन्हें ओवरनाइट हम ऐसे ही शुगर सिरप में डूबे रहने देंगे ताकि इसमें कलर और शुगर पूरा अच्छे से अंदर तक चला जाए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम मॉर्निंग में करेंगे। तो यहाँ हमारी टूटी फ्रूटी शुगर सिरप में रात भर सोख हो गई और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ गया है और देखिए कलर भी अच्छा सा कोट हो गया है। तो अब हमें इसे स्ट्रेन करना है, छानना है और इसका सारा रस हटाना है। तो ये मैं छन्नी से ऐसे निकालते हुए सारा रस इसका हटा लूँगी। ऐसे ही मैं सारे करूँगी। ये मैं पूरा निकाल लेती हूँ। ये छन्नी में जब हम इसे छान रहे होंगे तो हमें कोशिश करनी है कि हम इसका सारा रस निकाल दें ताकि सूखते समय रस इधर उधर ना फैले। तो इसे दबाते हुए या आप लगभग 10 मिनट ऐसे भी छोड़ सकते हैं ताकि छन्नी से सारा रस नीचे टपक जाए। यहाँ मैंने रेड कलर की टूटी फ्रूटी को पहले छोटी छन्नी से छान लिया था और फिर एक बड़े स्ट्रेनर में निकाल लिया और इसे लगभग 10 मिनट ऐसे छोड़ने के बाद अब मैं इसे एक ट्रे में, बड़ी ट्रे में डाल देती हूँ जिसे मुझे सुखाने के लिए रखना है। तो यहाँ मैं एक कॉर्नर में इसको रख देती हूँ क्योंकि बाकी कलर्स के भी मुझे रखने हैं। तो यहाँ मैंने चारों ही रंग ट्रे में फैला दिए हैं। देखिए यहाँ रेड जो मैंने बीटरूट से बनाया था चुकंदर से, और ये येलो कलर, येलो फूड कलर, ये ग्रीन फूड कलर, और यहाँ पर मैंने ये वाले, ये नेचुरल कलर ही छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने कोई भी कलर ऐड नहीं किया। तो अब टाइम है इसको ड्राई करने का। तो मैं इसे थोड़ी देर बाहर रख दूँगी, लगभग एक दिन हम इसे बाहर सूखने देंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो आप इसे छाया में भी सुखा सकते हैं। गर्मियों में धूप बहुत तेज़ होती है तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ना रखें। इसे शेडी एरिया में ऊपर से एक कपड़ा डाल के रखें, और अगर आप धूप में रख रहे हैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए ही रखें, उसके बाद इसे शेड एरिया पर ले आएं। तो देखिए यहाँ हमारी टूटी फ्रूटी बिल्कुल सूख गई है और इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने लगभग डेढ़ दिन सुखाया। आप इसे बहुत ज़्यादा धूप में सुखाने से थोड़ा सा अवॉइड करें, छाया में सुखाएं। देखिए इसका स्वाद बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि इसे घर में बनाया है और वेस्ट मटेरियल से बनाया है, तो ये इसकी खासियत है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में रख लेती हूँ। मैं जब भी ये टूटी फ्रूटी बनाती हूँ मुझे विश्वास ही नहीं होता कि जो तरबूज के छिक्कल में फेंकने जा रही थी उससे ये टूटी फ्रूटी बनी है। तो आप भी बार बार इस तरह से टूटी फ्रूटी बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये मैंने बीटरूट से, चुकंदर से कलर दिया है, ये नेचुरल कलर है, और यहाँ मैंने फूड कलर का यूज़ किया है, ग्रीन कलर और ये डार्क येलो के लिए। तो आप चाहें तो और भी सारे कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखा आपने कितनी आसानी से वेस्ट ऑफ वाटरमेलन और शुगर का यूज़ करके हमने कितनी ही सुंदर टूटी फ्रूटी बना ली। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अपने घर में ट्राई करेंगे और अपने आने वाले सारे बेकिंग में आप इस टूटी फ्रूटी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो टेक होम टिप्स देखते रहें और टेक होम टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, टेक होम टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।